आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखी आधारशिला। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी, दिल्ली, NCR समेत आसपास के अन्य राज्यों को मिलेगा लाभ। जे एयरपोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध कराने वाले किसानों का मंच से PM ने किया धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर का अब अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर नाम रोशन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत समूची दिल्ली NCR को मिलेगा। 21वीं सदी का भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेहतरीन नेटवर्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं। ये सभी परियोजनाएं पूरे क्षेत्र के लोगों का जीवन ही बदल देते हैं। गरीब, किसान, व्यापारी, मजदूर या उद्यमी, हर किसी को इसका लाभ मिलता है। जब कनेक्टिविटी बेहतर हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही बेहतर होगा। टैक्सी, मेट्रो, रेल, बस, हर तरह से जेवर एयरपोर्ट से जुड़े हुए होंगे। यूपी, दिल्ली, हरियाणा कहीं भी जाना हो जरा सी देर में पहुंचना आसान और सरल होगा। अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी तैयार हो रहा है। एक तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। आज से देश में जितनी तेजी से एविएशन के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, भारतीय कंपनियां बड़ी तेजी से एविएशन खरीद रही हैं, उनमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अहम भूमिका है। देखिए नोएडा से मनोज तोमर की विशेष रिपोर्ट। मुंबई एक्सप्रेस वे भी तैयार होने वाला, उससे भी अनेकों शहरों तक पहुंचना आसान हो जाए। ये भी नहीं, यहां से देश के फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी होगी। श्री भंडारे में तो दिया ना, एक तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ है। हमारे राष्ट्रपति के सामने, हमारी राष्ट्र सेवा के सामने कुछ राजनीतिक दलों के स्वार्थनीति कभी टीक नहीं सकती। साथियों, आज देश में 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। यही गति, यही प्रगति एक सक्षम और समस्त भारत की गारंटी है। यही प्रगति सुविधा सुगमता से लेकर सामान्य भारतीय की समृद्धि को सुनिश्चित